यार मैं तो पसीने में भीग गई। यार गजरे नहीं लेने, मैं पुरानी हो गई हूँ, किसके लिए पहनूंगी बताओ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। यार ऐसा सीन है, आज जो ना बहुत अरसे के बाद मैंने कहा यार मैं लिबर्टी जाती हूँ, मेरा लिबर्टी काम था, मेरी बहन आई हुई थी मेरे घर पे, तो मैंने कहा हम दोनों चलते हैं ज़रा यार घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चों को हम लोगों ने स्विमिंग पूल में डाला है, हमने कहा आप लोग मत आओ वरना यार बच्चों को ही कंट्रोल करना पड़ जाता है। तो फरहान भी घर पे था तो मैंने कहा यार मैं और अहमद अभी चलते हैं वहाँ पे, इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा सा टूर करा दूँगी। कब से बहुत लोग कह रहे थे यार कोई वीडियोज़ वीडियोज़ नहीं आई, ठीक है तब मैं ड्राइविंग करती हूँ और अब मैं मिलूँगी आपको वहाँ पर। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बस मैंने कपड़े जो है ना कुछ पिक करने थे, मेरे पास टेलर के पास मेरे कपड़े थे, मैंने कहा वो मैं पिक कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा घूमूंगी, यार मैं तो पसीने में भीग गई, मैं नहीं बिल्कुल जा सकती, ना मुझे चला जा रहा था। अभी मैंने कहा मैं नैंडोज़ पर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, एथनिक वगैरह पर चली जाऊँगी, ब्रांड्स पर। इधर तो इतनी गर्मी है कि भाई बंदा जो है ना पिघल रहा है। हाँ जी अभी जो है ना मैं आ गई हूँ यार नैंडोज़ पर, टाइट में बुरा हाल हो रहा था, इतनी गर्मी, मेरा दिल करता था उसमें अंदर जाके जो है ना सुकून से बैठती। तो अभी जो है ना मैं ऑर्डर देती हूँ, और अभी जो है ना मैं नैंडोज़ में बैठती हूँ। आप यकीन करो यहाँ के कुछ सुकून हुआ है, 2 घंटे लगा के मैं तैयार हुई थी, मेकअप किया था, न्यूड था, और जब लिबर्टी गई तो सारी पिघल गई, आइसक्रीम की तरह बेस भी उड़ गई, सब कुछ उड़ गया। अभी जो है ना खाना आया, मैंने कहा यार मैं पहली बाइट्स तो खा के जाऊँगी, ऑब्वियसली मैं पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, नाश्ता किया था जो मैं करती हूँ, उसके बाद अभी यही खाऊँगी बस, खत्म। 8 बजे के बाद जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, अगले दिन जाके फिर 1 बजे खाती हूँ, तो 16 घंटे का फास्ट कर रही हूँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। हिम्मत चाहिए होती है बड़ी डाइट करने के लिए, और जो लोग कह रहे हैं कि डबल चेन कटवा दें या वो करवा दें, यार अभी डाइट करी हो आप तुम फास्टा करो ना, 2 महीने तो वेट करो, आप लोग 2 महीने वेट करो कि खुद ही सब कुछ कम हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि कैसे हुए। इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग होती है ना, जब भी मैं एक्स्ट्रा कभी भी बाहर निकलती हूँ ना, तो आपको पता है मैं नैंडोज़ ही आ रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती, हालांकि पहले मैं स्टेक वगैरह इधर उधर डिफरेंट जगह पर जाती थी, लेकिन नहीं मुझे पसंद ही नहीं है, मैं यही खा के जाती हूँ। भाई आप क्या कह रहे हो, गजरे गजरे मैंने नहीं खाने, अभी मैं जा रही हूँ। हाँ मैं देती हूँ, देती यार गजरे नहीं लेने, मैं पुरानी हो गई हूँ, किसके लिए पहनूंगी बताओ। या भाई से एक रख ले। नहीं नहीं मैंने नहीं लेने। गाइस यार अभी जो है ना मैं घर पे वापस आ गई हूँ, यार आज क्या गर्मी थी, इतनी गर्मी, दिल कर रहा था यार फौरन निकलो, हालांकि मैंने सोचा कि मैं लिबर्टी में और जरा घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन आप यकीन करो कोई काम नहीं हो सका, बस मैंने कहा यार बस मैं वापस जाती हूँ, कपड़े मैंने पिक किए टेलर से, अभी आई हूँ यार। इतनी अब मुझे जो है ना वो क्रेविंग हो रही थी कि कोई मैं फ्रूट्स वगैरह खा लूँ ये वो, तो यार ये क्या रखा हुआ है, ग्रेप्स, बच्चों ने सारे ग्रेप्स खा दिए हैं यार, ग्रेप्स खाती हूँ यार, थोड़े से फ्रूट हो दो, मैंगो पड़ेगा खाना, पड़ेगा मैंगो नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना। हाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्पैगेटीज, आई आपने खाने खाई है इसने, खाई है इसने, मैंने नहीं खाने स्पैगेटीज, खराब है ना, आ देती हूँ, नहीं मैं ये खाती हूँ, पीच खाती हूँ, 2 पीच काटती हूँ, मैं ज़रा ये खाती हूँ अभी, फ्रूट्स खा के जो फ्रेशनेस फील होती है ना कमाल। यार मेरी एक लाइट जो है ना ये यहाँ से ख़राब हो गई है, ये गिरी है, दिखाना आप, मैंने ये वाली टेप मंगवाई है, ये वाली टेप जो होती है ना बिल्कुल पक्की होती है, इससे बिल्कुल भी नहीं उतरता, पैकेजिंग भी इससे होती है, इसको काटो छुरी से, ये इसका गिरा था, ये देखे मैंने ये सेल वाली ली थी ताकि इलेक्ट्रिक ना हो, यूँ चलाऊँगी चल जाएगी, देखें दो, हाँ ऐसे लगा दो ऐसे, अभी और भी दे दो ना, और भी दे दो, ये सब जो इतनी इतनी लगेगी ना, इधर लगेगी, और भी चाहिए, भरना पड़ेगा, दांतों को इस्तेमाल करो यार, ये देखो ये लग गई बस, ओए खुलेगी कहाँ से, ऑन कहाँ से होगी, ओहो
आज जो है ना यार, मैं किसी भी एक दो ब्रांड्स पे गई हूँ, वहाँ पे गई हूँ और उनसे पूछ के आई हूँ कि आप लोगों की सेल्स कब लग रही है। उन्होंने कहा हमारी अभी 15 अगस्त आने वाली है तो अभी सेल्स लग जाएंगी, तो इसलिए मैंने शॉपिंग नहीं की। मैंने कहा यार आज चीज़ें ले लूँगी तो ऐसा सीन होगा कि 3-4 दिनों बाद सेल लग जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी ज़रा फ्रूट्स खा लूँ, उसके बाद जो ना आई हूँ, जुहान को उठाया, इतनी बातें की हैं जुहान ने, मिस कर रहा था, 2-3 घंटे हो गए थे तो उसने मामा को देखा नहीं था। तो वो मेरी बहन को देखते हैं ना तो उसको शक्लें सेम लगती हैं, उसको भी देखता रहता है मुसलसल, उसके लग रहा होता है ये तो कहीं मामा नहीं है, तो वो थोड़ा सा ना उसको वो हो रहा होता है। तो उसके बाद आया, मैंने उसके साथ बातें शातें की, अभी मैंने उसको सुलाया, मैंने कहा यार फ्रूट्स खा लूँ। तो अच्छा यार मैंने जो ना खा लिए फ्रूट्स वगैरह, यार इतना मज़ा आया। आयमा ने माशाल्लाह से जो ना फीडर छोड़ दिया है, इसको दूध देती हूँ आजकल, जो ना हॉर्लिक्स डाल लें, पीडियाश्योर डाल लें, बच्चों को कोशिश करें 4 साल के बाद फीडर छुड़वा दें, ठीक है। अच्छा अब मुझे जो है ना बहुत से सवाल आए हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जुहान को जो है ना मतलब सुधर कितने देर के लिए देंगी, कौन सा दूध दे रही हैं, क्या दे रही हैं, क्या कर रही हैं। तो इंशाल्लाह जो कल मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी, ऑल केयर अबाउट द न्यू बेबी, आपने न्यू बेबी का किस तरह से टेक केयर करनी है। एक से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, डिटेल्ड वीडियो होगी, सब कुछ मैंने कहा मैं एक ही व्लॉग में बताऊं, ताकि क्योंकि न्यू मॉमीज़ हैं उनके लिए, जो माएँ बन गई हैं यार उनको तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो बाकी जो माएँ बन रही हैं, बनना चाह रही हैं, मतलब अभी ऑब्वियसली प्रेगनेंट हैं या न्यूली अभी हुई हैं माएँ बनी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं पता होती, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब यह कि आयमा का एक्सपीरियंस हो गया तो अब हर बात पता है। आज यार आप यकीन करो कि मैं ना आज मतलब इतनी दूर जैसे गई हूँ, तो आज मैं यही सोची थी, एक टाइम होता था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, ठीक है। और मैं जो ना जब हॉस्टल में रहती थी तो मैं अपने दोस्तों के घर जाती थी, तो मैं उन्हें कहती थी, मैं उनको देखती थी वो ड्राइव करती थी, जैसे वीकेंड पे कभी उनके घर चली गई वो, तो यार मैं ये सोचती थी कभी यार मैं भी ड्राइव करूँगी। तो मतलब अब देखो वक्त वक्त की बात होती है, अब यार ऐसा सीन है कि मतलब मैं गाड़ी, अच्छा जब मैंने गाड़ी चलाना सीख ली फिर मैं कहती थी यार मैं शहर में भी गाड़ी चलाऊँगी, मुझे रास्ते कैसे आएंगे। मैं कहती हूँ मुझे हर चप्पा चप्पा का रास्ता आ गया, और मतलब ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया कि जब हम लोग लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं तो फरहान मेरे से ड्राइव कराता है, मतलब हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं क्योंकि फरहान को मोटरवे पे नींद आ जाती है, स्मूथ ड्राइव होती है ना, तो फरहान कहता है तुम ड्राइव करो। हम लोग डीजी खान, मुल्तान, जहाँ पे भी जाते हैं तो ऑब्वियसली आनी चाहिए, मतलब हर लड़की को आनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो यार आप देखो वही बात है, वक्त वक्त की बात होती है, प्रोसेस होता है। उस टाइम पे मुझे लगता था ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मुझे वो चीज़ जब आती है तो अब हर बंदा मुझे देखे कहता है यार हमारा तुम तो पक्की ड्राइवर बन गई हो, इधर जाती हो, इस्लामाबाद तुम गाड़ी ले जाती हो, ये वो। तो यार वही बात है कि आप जो है ना मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग होती है, तो इसी तरह से हर चीज़ है, कोई भी चीज़ होगी आपने करनी होगी, बस आप मेहनत करते रहो और अच्छी नीयत रखो ना, पॉजिटिव अगर थिंकिंग होगी तो फिर आपका बहुत बेस्ट होगा। फुल यू लाइक माई वीडियो, आज छोटा सा व्लॉग था यार, मैंने सोचा था कि लिबर्टी का आप लोगों को भी टूर दे दूंगी, लेकिन यार जो गर्मी थी ना, ओए होए होए होए, बस हिम्मत ही नहीं हुई, शायद 9 मंथ्स भी नहीं गई लिबर्टी, और वैसे भी यार अब आदत हो गई थी, बस टेलर से कपड़े लिए और आ गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो थी वो भी आएगी कमिंग सून, मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी इस तरह डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, देखो यार आप लोगों को डेली मैं वीडियो लगा रही हूँ डेली, तो मेरी डेली मेहनत का एक सिला क्या चाहिए मुझे। अब मेरा ऑर्डर है ये कि मुझे इस वीडियो पर आप लोगों ने 1000 लाइक्स देने हैं। यार आप लोग वीडियो खोलो, मुझे तो आप लोग वैसे ही पसंद करते हो यार, इतना लव यू हो गया, तो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं लव यू हो गया, तो यार आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने लाइक्स मुझे करवा दो, 1000 लाइक्स कराओगे ना मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो जी। अब मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब चाहिए, लाइक्स चाहिए, कॉमेंट्स चाहिए, कॉमेंट करते हो तो यार दिल खुश हो जाता है, ठीक है। ओके टेक केयर जी, लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।